नमस्कार मित्रों, आइए आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ। विषय क्या है? तो शनिवार के दिन किन वस्तुओं को खरीदें और किन वस्तुओं को न खरीदें, इन्हीं विषयों को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का निशान आएगा उसे टच करें, ऑल दबाएं ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप हमारे सारे वीडियो को देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम उस विषय को बढ़ाएं। शनिवार के दिन कौन से वस्तुओं को खरीदें, कौन से वस्तुओं को न खरीदें, इन्हीं विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दें, शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज चढ़ने या फिर बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए शनिवार के दिन नमक बिल्कुल ही न खरीदें। अगर आपको नमक खरीदना है तो बेहतर होगा शनिवार के बजाय किसी और दिन खरीदें। शनिवार को काले तिल कभी भी न खरीदें। इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है, इसके बजाय एक दिन पहले काले तिल खरीद कर रख लें, क्योंकि काले तिल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कई विपत्तियों से भी निकालते हैं। शनि से संबंधित अगर परेशानी हो तो शुक्रवार के दिन ही तिल को खरीद के ले आए और भगवान शिव को गंगाजल और तिल मिला करके शनिवार के दिन चढ़ाएं, तो इससे आपके शनि, राहु, केतु ये तीनों से संबंधित कोई भी बाधा है तो वो खत्म होते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें जैसे कागज़, पेन और इंक पॉट आदि खरीदने के लिए भी शनिवार का दिन शुभ नहीं माना जाता है। विशेष तौर पर शनिवार को स्याही तो बिल्कुल ही न खरीदें, मतलब कलम बिल्कुल ही न खरीदें, यह मनुष्य को अपयश का भागी बनाता है। शनिवार के दिन खरीदा हुआ कलम या अलग से स्याही वो आदमी को अपयश और कलंक का भागी बनाता है, इसलिए शनिवार के दिन कभी भी स्याही और कलम बिल्कुल भी न खरीदें। शनिवार के दिन कैंची कभी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन खरीदी गई कैंची रिश्तों में तनाव लाती है। शनिवार के अलावा किसी भी दिन आप कैंची खरीद सकते हैं, ये ध्यान देकर काम करेंगे। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को नहीं खरीदेंगे। माना जाता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को कार्य में असफलता प्राप्त कराती है। शनिवार को किसी गरीब को अपमान न करें। शनिदेव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण जो लोग गरीबों का अपमान करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, शनि उनके जीवन में परेशानियां बढ़ा देता है, क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना जाता है। ध्यान रखें, किसी बाहरी व्यक्ति से जूते चप्पल उपहार में न लें। शनिवार को जूते चप्पल का दान किसी गरीब को करेंगे तो शनि के दोष दूर हो सकते हैं। शनिवार को घर में लोहा या लोहे से बनी चीज लेकर नहीं आना चाहिए। इस दिन लोहे को दान करें, क्योंकि लोहे की चीज़ों का दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं। आगे, जिन लोगों के कर्म गलत होते हैं उनके लिए शनि अशुभ हो जाता है, इसलिए शनि के अशुभ होने से किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही घर परिवार में परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनि के अशुभ होने से किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही घर परिवार में परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनिवार का कारक शनि है और विशेष रूप से इस दिन ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे कुंडली में शनि अशुभ हो, जिनके कुंडली में शनि अशुभ हो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।